Assalamu alaikum, viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So, in today's video, we are going to start the topic of burden of proof under QSO 1984. But before starting the discussion,

बर्डन ऑफ प्रूफ को अगर कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर देखें तो इसको किसी भी जगह पर डिफाइन नहीं किया गया इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई लेकिन अगर हम खुद समझें तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पर आती है दैट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूफ सर्टन फैक्ट्स कि जिन फैक्ट्स को आपने प्रूव करना है वो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है बारे सबूत किस पर आता है कौन सा ऐसा बंदा है जो इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस लेकर आएगा किसी किस्म के कोई विटनेस कोर्ट में लेकर आएगा जो जिनके थ्रू वो इन फैक्ट्स को प्रूव करेगा जिन फैक्ट्स को वो अलच कर रहा है अब अगर बेर एक्ट से इसको देखें तो आर्टिकल 117 से ये टॉपिक स्टार्ट होता है और आर्टिकल 117 बेसिकली क्या कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ वो सबसे पहले बता रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी केस में किस तरह से प्रूफ किया जाएगा आर्टिकल 117 क्या कहता है हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट अगर कोई बंदा किसी कोर्ट से ये ख्वाहिश रखता है टू गिव द जजमेंट कि कोर्ट उसके फेवर में कोई भी जजमेंट पास करे तो जो बंदा इस चीज़ की ख्वाहिश रख रहा है कि या तो कोर्ट किसी उसके लीगल राइट right को डिटरमिन करे या फिर कोई लाइबिलिटी फिक्स करे तो तो जिन फैक्ट्स को बेस बनाकर वो कोर्ट से जजमेंट डिमांड कर रहा है जिन फैक्ट्स को डिपेंडेंट करके जो फैक्ट्स वो अलर्ज कर रहा है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट पास करे तो ये लाइबिलिटी भी उसी पर आती है कि सबसे पहले वो उन फैक्ट्स को प्रूफ करे सिंपली क्लॉज वन में ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में किसी किस्म की कोई जजमेंट पास करे तो जिन फैक्ट्स को बेस बनाकर वो कोर्ट से वो जजमेंट मांग रहा है जो फैक्ट्स वो अलेज कर रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उसी पर आती है कि वो कोर्ट के अंदर आकर उन फैक्ट्स को प्रूव करे यानी कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट वो किस पर आता है उस बंदे पर जो इन फैक्ट्स को अलेज कर रहा है ये थी क्लॉज वन अब क्लॉस टू की तरफ आ जाए तो क्लॉस टू क्या कहती है वेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट कि जब कोई बंदा किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है जो ये कह रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इट इज सेड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस बंदे पर आए जिसने उस फैक्ट को अजर्ट किया है यानी कि जो बंदा फैक्ट अलर्ट कर रहा है उस फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसी बंदे पर आएगी सो so, ये आर्टिकल 117 की दो क्लॉज़ेस थी अब क्लॉज वन को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो ए एक बंदा है जो ये ख्वाहिश रखता है कोर्ट से कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट देते हुए बी को पनिशमेंट दे अब बी को पनिशमेंट किस तरह से दे कि ए ये कह रहा है कि बी ने कोई क्राइम कमिट किया है और उसके लिए कोर्ट बी को पनिश करे तो अब कोर्ट के सामने ए जो ये बी के क्राइम की बात कर रहा है इस क्राइम को प्रूफ करने की जिम्मेदारी ए पर आती है यानी कि जिसने उस फैक्ट को अलेज किया है किसी केस में तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी उसी पर आएगी सेकेंड क्लॉज को एग्जाम्पल से समझे तो ए एक बंदा है अब सिविल केस की बात करते हैं एक डिस्प्यूटेड लैंड है ए ये कह रहा है कि वो लैंड उसकी मलकियत है लेकिन वो लैंड अब तक बी के पोजेशन में है और बी इन फैक्ट्स को डिनाई कर रहा है कि ये जमीन ए की नहीं बल्कि उस बी की है तो अब जो ए इस जमीन के बारे में अपनी मलकियत बताते हुए कोर्ट से अपने फेवर में जजमेंट डिमांड कर रहा है तो ये चीज प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी उसी ए पर आ रही है जो अपने फेवर में कोर्ट से जजमेंट डिमांड कर रहा है और किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बता रहा है तो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को भी उसी ने प्रूफ करना है अंडर आर्टिकल 117 उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 118 के ऊपर आर्टिकल 118 कहता है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज बर्डन ऑफ प्रूफ किस बंदे पर लाए करता है चाहे वो सिविल केस है चाहे वो क्रिमिनल केस है सो so, आर्टिकल 118 स्टेट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ और प्रोसीडिंग्स के किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाए करता है ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर लाए करता है जो केस को हार जाएगा अगर दोनों साइड से एविडेंस ना दिया गया मींस टू से अगर दोनों ही पार्टीज एविडेंस नहीं पेश करती कोई भी विटनेस नहीं लेकर आती तो हमने ये देखना है कि इस सिचुएशन में केस कौन सा बंदा हार जाएगा तो जो बंदा केस हार जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पर लाए करेगा अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल ए एक बंदा है जो बी को सू कर रहा है किसी लैंड के सिलसिले में जो के बी की पोजेशन में है कोई लैंड है जो बी की पोजेशन में है और ए इस चीज को अजर्ट कर रहा है ए ये प्ली ले रहा है कि ये जो जमीन है ये सी एक बंदा है जो कि बी का फादर है उसने थ्रू विल ए को दी थी अब अगर दोनों साइड से कोई भी पार्टीज एविडेंस नहीं लेकर आती तो बी के पास तो उस जमीन की पोजेशन रहेगी क्योंकि बी ऑलरेडी उस जमीन की पोजिशन उसी के पास है और ए ये अलेज कर रहा है कि ये जमीन मेरी है तो अब अगर दोनों साइड से कोई भी पार्टी एविडेंस नहीं लेकर आती तो ए फेल हो जाएगा ए केस हार जाएगा क्योंकि ए अलेज कर रहा है सो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दी ए जो केस हार जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर लाए करेगा किसी भी केस में किसी पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सो so, आर्टिकल 118 सिंपली कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पर लाए करेगा जो हार जाएगा अगर दोनों साइड से एविडेंस ना दिया गया उसके बाद आते हैं आर्टिकल 119 के ऊपर आर्टिकल 119 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाय करता है आर्टिकल 119 स्टेट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ए टू पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस कि अगर एक बंदा है वो एक पर्टिकुलर फैक्ट लेकर आता है और वो ये चाह रहा है कि कोर्ट इस चीज पर यकीन करे कि वाकई ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी बंदे पर लाए करेगा यानी ड्यूरिंग द केस एक बंदा एक पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट में अजर्ट कर रहा है अलजिंग फैक्ट की बात कर रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी बंदे पर लाए करेगा जो ये पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट में लेकर आया है अब एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ए एक बंदा है हु प्रोसिक्यूट बी फॉर जो ये कह रहा है कि बी ने चोरी की है और कोर्ट को के सामने वो ये बात करते हुए ये चाह रहा है कि कोर्ट इस चीज पर यकीन करे कि वाकई बी ने चोरी की है और साथ ही साथ वो ये पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट में लेकर आता है कि बी ने इस चोरी का एतराफ सी के सामने किया है बी ने इस चीज को एडमिट किया है कि हाँ उसने चोरी की है अब जो ये पर्टिकुलर फैक्ट वो लेकर आया है एडमिशन की जो बात आई है वो कन्फेस कर रहा है अपनी बात को मान रहा है कि उसने चोरी की है तो ये एडमिशन प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई वो बंदा जो फैक्ट कोर्ट में लेकर आया है विच मीन्स दैट ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि जहां पर जो बंदा पर्टिकुलर फैक्ट लेकर आया है उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसी बंदे पर आएगी इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल बी एक बंदा है जो एक क्रिमिनल केस में एक प्ली ले रहा है प्ली ऑफ एलेबाई प्रूविंग हिमसेल्फ एल्सवेयर यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर का केस है जिसमें बी के ऊपर इल्जाम है और बी ये प्ली ले रहा है कि जिस टाइम पर मर्डर कमिट हुआ था वो उस वक्त किसी और जगह था फॉर एग्जाम्पल वो लाहौर में था और मर्डर जो कमिट हुआ है वो कराची में कमिट हुआ है अब जो ये उसने प्ली ली है जो उसने कहा है कि मैं उस वक्त लाहौर में था तो इस चीज को इसको करने की जिम्मेदारी भी बी के ऊपर आती है बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर लाया करता है कि उसने कोर्ट को बताना है कि वो वाकई लाहौर में था उसके बाद आते हैं आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेंटी के ऊपर आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेंटी बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक देंस एडमिजल अब यहां पर अगर आप इसकी बेरक्ट लैंग्वेज को समझे तो ये आपको थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी तो सबसे पहले हम इसकी इलेस्ट्रेशन देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए विशेज टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी बंदा है जो कोर्ट के अंदर किसी दूसरे बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए आया है Declaration क्या है कि अगर कोई बंदा मरते हुए कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो उसकी डेथ से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर ए ने एक स्टेटमेंट दी है कि उसकी मौत किस वजह से हुई और बी उसकी इस डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने के लिए कोर्ट में आया है तो सबसे पहले ए ने ये चीज प्रूफ करनी है कि वाकई बी की डेथ हो चुकी है सबसे पहले उसने बी की डेथ प्रूफ करनी है सो so, बी की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने से पहले उसने यह प्रूफ करना है कि बी की डेथ हो चुकी है क्योंकि हमें पता है कि डिक्लेरेशन उसी वक्त एडमिजेबल है जब उस बंदे की डेथ हो जाती है एक और एग्जाम्पल देखते हैं ए विशिज टू प्रूव बाई से कॉन्टेंट्स ऑफ आर लॉस्ट डॉक्यूमेंट ए कोर्ट के अंदर आया है और किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ कर रहा है सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि गुम हो चुका है अब हमें पता है एविडेंस दो तरह के होते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ करना है लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं लेकिन अब यहां पर जो ए सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव कर रहा है तो सबसे पहले उसने ये चीज प्रूव करनी है कि वाकई ये, ये गुम हो चुका है मींस टू से इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई फैक्ट एज एन एविडेंस कोर्ट में लेकर आए हैं तो उन फैक्ट्स को प्रूव करने से पहले आपने उनसे रेलिवेंट फैक्ट्स को पहले प्रूफ करना है ताकि उस फैक्ट को आप कोर्ट में एडमिसिबल करा सको बेरक लैंग्वेज देखें तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको प्रूफ करना जरूरी हैं कि उनको प्रूफ करने के बाद फिर आप जो दूसरे फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करोगे जैसा कि हमने बात की थी कि अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव कर रहा है तो पहले उसने उसकी डेथ को प्रूव करना है इसी तरह अगर उसने सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू किसी लॉस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो पहले उसने ये प्रूफ करना है डिस्कस so, करेंगे सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करें, करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज